सभापति जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मुझे अवसर मिला है। माननीय सभापति जी, इससे पहले भी सन 2009 में रेल बजट पेश हुआ था, हम सब लोग इस सदन के बहुत सारे इसमें बैठे हुए साथी हैं, उसमें रहे थे। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा सदन के पटल पर रखे गए रेलवे के बजट के समर्थन में अपनी बात रखने का मौका आपने दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 से ही सबसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी सरकार का गठन हुआ, तभी से हिंदुस्तान की जनमानस की लाइफ लाइन माने जाने वाली ट्रेन जो चरमराकर दम तोड़ने के विवश होती जा रही थी, उस रेल व्यवस्था को नया जीवन मिला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे की दशा और दिशा को जनहित में सुधारने के लिए जो कदम उठाए हैं, उससे आने वाले वक्त में रेलवे अपने शीर्ष स्थान पर होगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेल बजट पेश करते समय माननीय मंत्री जी के उद्बोधन में यह स्पष्ट है कि आगामी 10 वर्षों में सरकार रेलवे के स्वर सुलभ, स्वर सुगम और विश्वसनीय बनाने के लिए 50 लाख करोड़ रुपए खर्चा करने जा रही है, जो अपने आप में सरकार की रेल मंत्रियों, रेल यात्रियों और रेल कर्मियों के हित करने वाली योजनाओं के प्रति कटिबद्ध दर्शाती है। हमें लगता है आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर रेलवे की व्यवस्था को सुधार करने के लिए कोई सरकार तत्पर दिख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया में हमारा हिंदुस्तान रेलवे से सफर करने वाले में सबसे अग्रणी स्थान रखता है। यूं तो अमीर से लेकर मध्यम और गरीबी में जीवन यापन करने वाला हर तबका रेल यात्रा करता है, परंतु उसमें भी गरीब तबका और मध्यम वर्ग ट्रेन सर्वाधिक सफर करता है। ट्रेन की सुविधा बढ़ाने, उसका संचालन सही रखने, उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने से यह तय है कि सरकार मध्य वर्ग और गरीब तबके के लोगों की यात्रा, सुविधा, सुरक्षा, समय का ख्याल रख रही है। इसके लिए मैं आदरणीय मोदी सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति जी, रेलवे जहां यात्रियों के आगमन के लिए उपयोगी है, वहीं व्यापार जगत के लिए भी रेल का काम करती है। ट्रेनों के जरिए पूरे देश में सामानों की ढुलाई में भी व्यापारियों को भी सुविधाएं मिल सके, इस पर हमारी सरकार अपना ध्यान केंद्रित की है। माननीय सभापति जी, हम आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि मंत्री जी ने जो रेल बजट वर्ष सन 2019-20 के लिए 65,837 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है, जिससे यात्री सुविधाओं के लिए धन 200% वृद्धि की गई है, जिसमें नई लाइनों के लिए 7,255 करोड़ रुपए, गेज परिवर्तन के लिए 2,200 करोड़ रुपए, दोहरीकरण के लिए 700 करोड़ दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने लोकसभा बांसगांव संसदीय क्षेत्र के तरफ ले जाना चाहता हूं। सन 2009 से लेकर अभी तक मैं अपने क्षेत्र में सरकार की तरफ से भी, मुझे याद है कि जब आदरणीय ममता बनर्जी जी रेल मंत्री थी, तो उस समय भी उन्होंने घोषणा किया था बांसगांव संसदीय क्षेत्र के को रेल लाइन जोड़ने से। माननीय सभापति जी, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, मुझे लगता है कि 545 लोकसभाओं का अगर चयन किया जाए तो मेरा ही लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर रेल लाइन नहीं है, और जिससे तब से सन 2000 लेके अभी तक मैं ये कह सकता हूं कि हर रेल बजट में मैंने अपनी बात को उठाने का काम किया है। और सन 2014 में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, आदरणीय पीयूष गोयल जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने घोषणा ही नहीं किया, सर्वे भी कराया। सर्वे कराने के बाद सन 2019 के इस लोक चुनाव में शिलान्यास करने के लिए समय भी दिया। इसी सदन में उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि बांसगांव संसदीय क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। आदरणीय मनोज सिन्हा जी थे उस समय, गोरखपुर के चुनाव में भी गए, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि चुनाव से पहले इस रेल लाइन का शिलान्यास किया जाएगा। बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा सभापति जी। मैं आदरणीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र को जो पहले से 700 करोड़ रुपए स्वीकृत है, उसको वित्तीय बजट में देने का काम करें,
मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।